सूरत में राज्यना मुख्यमंत्री ना घर पास युवक पर हुमलो थयो हतो। रात्रे 10:30 थी 11 वाग्यानी आ घटना बनी छे। त्यारे मोहम्मद सफोलिक शेख अने शेख सारुक महमूद घरे आवता हता त्यारे आ हुमलो करवामां आव्यो हतो। रात्रे बे लोको पर हुमलो थयो छे, त्यारे बाइक पर घरे आवता समये जीवलेण हुमलो करवामां आव्यो छे। पार्ले पॉइंट पासे रात्रिना समये आ घटना बनी हती। त्यारे मोहम्मद सफोलिक शेखना पेड अने जमणा हाथ पर चप्पू वडे हुमलो करवामां आव्यो छे। फरियादीए उमरा पोलीस उपर सवालो उभा कर्या छे। त्यारे पेट खाते आ चक्काना जगह टीवी उपर जे रीते दृश्य देखाय छे ते आप जोई शको छो कि कई रीते हुमलो करवामां आव्यो छे। मोहम्मद सफी मेरा नाम है। हम लोग VR पास से हम लोग आइसक्रीम खा के निकले थे। रास्ते के अंदर अंधाधुंध दो लड़के एक्सेस गाड़ी पे, ब्लैक कलर की गाड़ी थी, उस पर आए और जरा सा खाली टच हुआ, उतने में इन लोगों ने हथियार बंद निकाल के डायरेक्ट हम पे हमला किया और मुझे पेट में लगभग दस्त आ गया है और मेरे हाथ में भी इंजरी हुई है और मैं मतलब 10 से 15 दिन का मुझे आराम करने वाला है डॉक्टर ने और मेरी हालत भी बहुत ख़राब है। मैं भी इस तरह से लोगों ने किया है, ये मतलब घटना कहाँ पे बनी थी और जो घटना ये अपना घटना VR के आगे जब निकलते पार्ले पॉइंट से पहले ब्रिज के पास पेट्रोल पंप के सामने हुआ था। वहाँ पे इन लोगों ने मतलब गाड़ी हमारे आगे ओवरटेक करके लगा दी और उतर के सीधा इन लोगों ने अटैक किया, मारा हम लोगों को, हमला किया और हम लोग तो सिर्फ जाने दो इतना ही बोल रहे थे और इन्होंने लास्ट में हथियार निकाल के हथियार से भी हम लोगों को हमला किया जिसमें मुझे भी मतलब बुरी तरह लगा है और मुझे और मेरा ऑपरेशन हुआ है। कहीं ना कहीं इस तरीके से हथियार लेके और सामान्य नागरिक को अटैक करना तो पुलिस के लिए कितना बड़ा चैलेंज बताया जा। हाँ, और ये लोग इस तरह बिंदा से लोग हथियार लेके घूम रहे हैं और मतलब पब्लिक प्लेस में लोग हथियार लेके घूमते हैं और लोगों को मार रहे हैं, तो ये पुलिस के लिए भी मतलब बड़ा चैलेंज है और मतलब पब्लिक के लिए भी खतरा है कि ये लोग इतनी मामूली बात में भी यानी लोगों को मारने के लिए डर नहीं रहे, इनके दिल में किसी का खौफ नहीं है और ये मतलब गुंडे और इस तरह से पब्लिक प्लेस में और ये मतलब गैरकानूनी और मतलब बहुत दहशत फैला रहे लोग। कौन से तारीख को बनी थी और आगे कितना समय गुजर गया और पुलिस कितने दूर है गिरफ्तार? ये घटना संडे के दिन हुई थी लगभग 11:30 से 12:45 के बीच में, जिसमें अभी हम लोगों ने FIR भी कर दी है, सब कुछ हुआ है लेकिन आरोपी अभी तक मौजूद नहीं हुए और वो लोग मतलब कस्टडी में वो लोग आए नहीं अभी तक और भाग रहे लोग इधर उधर। आखिरी सवाल कहाँ कहता हूँ, आखिरी सवाल जो है अपना, हाँ, जो राज्य के गृह मंत्री उनका घर वहाँ से 3 किलोमीटर के दूरी पर है, वहाँ पे ऐसी वारदात होनी यानी कितना बड़ा चैलेंज क्या आ जाएगा? ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि वहाँ से कमिश्नर ऑफिस और पुलिस का पूरा मतलब वहीं पे, वही रोड पे, और होम मिनिस्टर की भी ऑफिस वहीं है समझो, मिस्टर क्या नाम है उनका, ये हर्ष संघवी जी का, उनका भी ऑफिस वहीं है। तो उन लोगों से भी मैं निवेदन करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि इस तरह के जो डेंजर्स जो ऐसे जो वारदात वाले लोग हैं जो हथियार लेके घूम रहे और जो लोगों को मतलब डायरेक्ट मारे रहे छोटी छोटी मामूली बात में भी, तो इन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए और सख्त कार्रवाई करना चाहिए और मैं तो बोलता हूँ कि इन्हें इनका रिमांड भी लेना चाहिए ताकि उनको पता चले भाई कानून भी क्या चीज़ है और किसी को मारना कोई मामूली बात नहीं है।